अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप यू विल बी फाइन। वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर विद दुआ। रब्बी श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर टॉपिक है लेक्चर का हमारे पास यूनिट नंबर 2, रियल नंबर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। अब हम आज हम रिवाइज करेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। वो कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज दैट पॉजिटिव नंबर, वो जो पॉजिटिव नंबर है हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। जो नंबर गिवन है वो उसका स्क्वायर होता है। इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मेथड 1 है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मेथड 2 है डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है 7, 8, 4। अब हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। किसके थ्रू? प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 7, 8, 4। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 4 है। जब यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसकी डिवीजन जो है वो 2 पे होती है। ये हमारे डिवीजन टेस्ट है डिविजिबिलिटी के। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 3s are 6, 1 कैरी चला जाएगा, 2 9s are 18, 2 2s are 4। नेक्स्ट फिर 2 पे इसकी डिवीजन होगी, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12। अगेन इसकी 2 पे डिवीजन हो जाएगी, 2 9s are 18, 1 कैरी चला गया, 2 8s are 16। अगेन इसकी 2 पे फिर डिवीजन होगा, 2 4s are 8, 2 9s are 18। अब इसके यूनिट प्लेस पे 9 है तो अब ये 2 पे डिवीजन इसकी नहीं होगी। 49 हमारे पास 7 के टेबल में आता है, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। ठीक है, हमारे पास 1 आ गया, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो स्टॉप हो गई। अब हम इसको राइट करते हैं। हमें फाइंड करना है स्क्वायर 7, 8, 4 का। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को राइट कर लेते हैं, 2 2 7 7। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। जब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हम दो नंबर का पेयर बनाते हैं। 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 7 का स्क्वायर। जी, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डिजिट 2 2 एंड 7। मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 7s are 28 28। हमने फाइंड कर लिया इसका स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। जी स्टूडेंट, क्लियर है? अगर हमें इसको वेरीफाई करना है आया कि हमारा आंसर सही है या रॉन्ग है तो क्या करेंगे हम? हम 28 को 2 टाइम पे मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हमारे पास आंसर 784 आ जाएगा तो हमारा जो नंबर है वो सही है। इसको ऐसे हम इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपने चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है तो आपने लास्ट पे, वो आपकी मर्जी है, रिक्वायरमेंट्स नहीं होती क्वेश्चंस की। हाँ, अगर आपने चेक करना है तो आप इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई कराएं, जो उसका प्रोडक्ट होगा वो क्या आना चाहिए? 784। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या था? डिवीजन मेथड। क्लियर है बच्चों? अब मैं क्वेश्चन राइट करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1 3
6, 8, 9. अब हम इसका स्केयर रूट फाइंड करना है सेकंड मेथड से, डिवीजन मेथड। इसकी हम डिवीजन करते हैं, जी सबसे पहले जब हमने डिवीजन मेथड्स के स्क्वायर रूट निकालना तो हम पेयरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से। जी ये पेयरिंग होगी, ये सिंगल रह गया हमारे पास, इसका मतलब है ये वन पे जाएगा, वन वन जार वन। जी वन से वन जब माइनस करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है, नेक्स्ट पेयर हमारे पास नीचे आ जाएगा 36 और ये ऐड होके क्या हो जाएगा 2। अब हमें 2 के साथ एक नया नंबर जनरेट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और 36 से छोटा नंबर आए, तो हम क्या करेंगे 2 से करके देख लेते हैं। 2 2s are 4, ये तो ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब है ये अगेन वन पे ही जाएगा 21। थर्टी सिक्स में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 में से 1 माइनस करें 5, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 और नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा 89 और नेक्स्ट वही हम रिपीट करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट ऐड हो चुका है वो वही रहेगा और 1 1 फिर ऐड होके क्या हो जाएगा 2। अब हमें 22 के साथ एक और नंबर जनरेट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें और 1589 से छोटा आंसर आए हमारे पास, तो हम नंबर ले लेते हैं 7 से कर लेते हैं, 7 7s are 49, 9 4 कैरी, 7 2s are 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 18, 8 और 1 कैरी चला जाएगा, 7 2s are 14 और 1 ऐड करेंगे 15, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया हमारे पास 7 लगाने से 1 5 8 9 और माइनस करने से रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट हमने निकालना था, हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया बाय डिवीजन मेथड 117। सिमिलरली इसका भी यही तरीका है, अगर आपने इसको चेक करना है क्या कि हमारा स्क्वायर रूट सही है तो हम जो हमारे पास नंबर आया है उसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट होगा, मतलब जो हमारे पास नंबर है वो गिवन नंबर आ जाएगा। अभी जो हमने एग्जांपल्स की हैं दोनों मेथड्स के साथ, इससे आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है वो सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले जो एग्जांपल मैंने कराई वो प्राइम फैक्टराइजेशन से थी, आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उस एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.3 का, उसमें उसने कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड्स, तो जो सेकंड वाली एग्जांपल हमने की है ये डिवीजन मेथड से की है, इसके थ्रू आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरे का पूरा सॉल्व आउट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर हो तो हमने उसका जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो कैसे करना है, अभी जो मैं एग्जांपल कराऊंगी उससे आपकी एक्सरसाइज 2.4 जो है ना वो सॉल्व होगी। ठीक है, मेथड यही रहना है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड्स। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स है 49 ओवर 64। अब नंबर जो है हमारे पास फ्रैक्शंस में है, ठीक है, सिमिलरली काम हमने वही करना है, अब हमने सेपरेटली इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। सबसे पहले हम 49 की लेंगे, ये तो आपको पता है 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 64,
64. ये भी टू नंबर को मल्टीप्लाई करने से, एक नंबर है जिसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने तो 64 आता है, वो नंबर है 8. टू से इसको पहले कर लेते हैं, टू थ्री ज़ार सिक्स, टू टू ज़ार फोर, टू वन ज़ार टू, टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, टू एट ज़ार सिक्सटीन, टू फोर ज़ार एट, टू टू ज़ार फोर एंड टू वन ज़ार टू. प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, हमने सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लेके जाना है. हमारे पास नंबर आ जाएगा 7, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है 49 का और 64 का. 2 2 2, स्क्वायर रूट निकालना है हमने इनका, पेयरिंग कर लेते हैं. 7 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर. अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट से है वो कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास नंबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इनके स्क्वायर्स हमारे पास, तो 7 2 2 2 7 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो गया 49 ओवर 64. फ्रैक्शन में ही हमारे पास आंसर आया है 7 बाय 8. नेक्स्ट अब हमने बाय डिवीजन मेथड से चेक करना है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है तो फिर हमने कैसे इसको फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन है मेरे पास 169 ओवर 256. इसको हमने बाय डिवीजन मेथड चेक करना है, तो हम इसको बाय डिवीजन मेथड चेक कर लेते हैं. 169, सबसे पहले हमें इसके पेयर बनाने, यहाँ पे 1 रह गया, 1 1 ज़ार 1, अब ये पेयर नीचे आ जाएगा 69, 1 1 में ऐड होके 2 आ जाएगा. अब हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, 3 से करवाते हैं अगर हम, तो 69 हमारे पास आता है, तो इसका जो ऊपर वाले का जो है स्क्वायर रूट क्या आ गया है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड से ओवर. हम इसको इकट्ठा भी लगा सकते हैं और सेपरेट सेपरेट भी लगा सकते हैं. ये प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर रूट की. हमारे पास ऊपर वाले का आंसर आ गया 13. सिमिलरली अब हम डिनोमिनेटर वाले को चेक करते हैं, 256. पेयरिंग कर लें इनकी भी, 2 आ रहा है, फिर हम यहाँ पे 1 1 ज़ार 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये पूरे का पूरा पेयर नीचे आ जाएगा और ये ऐड होके 2 हो जाएगा. अब क्या करें, मल्टीप्लाई करना है, अब चेक करते हैं. अगर हम इसको 3 के साथ करते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, ज़्यादा छोटा डिजिट आ रहा है तो नंबर अपना इंक्रीज कर लेते हैं, 2 को 6 से कर लेते हैं, 6 6 ज़ार 36, 6 3 कैरी, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो 50. ये डिवीजन होगी इसकी, हमारे पास आंसर आ गया 5 6, रिमाइंडर 0, तो इसका जो स्क्वायर रूट है हमारे पास 16. क्लियर है? अब हम इसको बाय डिवीजन मेथड से हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का जो है वो फाइंड आउट कर ली है. क्लियर स्टूडेंट? अभी हमारी एक्सरसाइज थी 2.4,
वो इन जो मैम ने मेथड्स अभी किए हैं फ्रैक्शंस के, वो इस तरह हमारी आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट हमने देखना है, अब जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 है उसमें कहा है कि डेसिमल नंबर को हम, डेसिमल नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर जो है वो डेसिमल में है तो हम उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं इन दो मेथड्स के थ्रू। हमारे पास अगर नंबर है 1.221, इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो क्या प्रोसीजर होगा इसका, सबसे पहले हम इसका जो पॉइंट है वो रिमूव कर लेते हैं, वन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉइंट का वन होता है और बाकी डिजिट के ज़ीरो। अभी जो हमने पीछे जो जो एग्जांपल्स किए हैं ये बिल्कुल उसी तरह ही है। अब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे 121 की। तो ये 11 ones are 121 and 11 ones are 11। नेक्स्ट, अब जो है डिनोमिनेटर हमारे पास 100 है, हम 100 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 5s are 10 और 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10। नेक्स्ट 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल वाले नंबर का, हम इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, पेयरिंग कर दें 11 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, पेयर बना देते हैं हम इनके और स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं हम 1.21 का। स्क्वायर रूट से जो है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 11 2 एंड 5 11 और 10 1.21 का हम निकाल रहे हैं। इसको अगेन हम इसको डेसिमल में राइट कर सकते हैं 1.21 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट आया है वो 1.1 है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, हम डेसिमल का ही हमने एक नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड के साथ। क्वेश्चन है मेरे पास 10.24, इसका हमने स्क्वायर निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं 10.24, पेयरिंग कर लें इसकी जी। तो हमने अब सेम नंबर लेना है, यहाँ पे भी वही नंबर होना चाहिए और यहाँ पे भी वही नंबर होना चाहिए। तो 3 3s are 9, 10 में से 9 गया 1 और ये जो पूरा पेयर है वो नीचे आ जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा 6, ठीक है 3 3 में ऐड हो के 6 हो जाएगा। अब हमने कौन सा एक नंबर लेना है जो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 6.2 को 0.2 के साथ, टू टूज आर 4, टू सिक्स आर 12। पॉइंट के बाद दो डिजिट है, टू डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर हो गया 2 1.24, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, तो स्क्वायर रूट फाइंड हो गया बाय डिवीजन मेथड से 3.2। सिमिलरली चेक करने का तरीका वही है, हम 3.2 को 2 टाइम पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.24। अगर ये हमारे पास आंसर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने स्क्वायर रूट जो है वो एग्जैक्ट फाइंड आउट कर ली है। क्लियर स्टूडेंट, आपकी जो एक्सरसाइज है 2.5 वो हमारी इस तरीके कार्ड से हो जाएगी।
इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।